आवाज नहीं हो रहा है, 40 मिनट बाद 12 बज जाएगा, 11:15 हो गया दोस्तों, कोई भी काम नहीं है, करीब हफ्ता दिन से काम आई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक गाड़ी का हेडफोन लग टूटते हाथ में ना, मैं तो दिन भर खाता हूँ, तो एक दो साथ ही सत्ता दिन खाता हूँ। अब पंचर तो आता ही है, ठंडे का मौसम पंचर भी घट गया, अभी वॉच भी नहीं आता, काम बिल्कुल डाउन है। तो मैं थोड़ा बहुत उधर उधर देखते गाड़ी लेकर, दूसरा गैरेज में तो काम नहीं होता, कहीं पर भी काम नहीं, गलती से कोई गैरेज में एक दो काम घुस गया, इसलिए होता है, नहीं तो बिल्कुल काम ना बराबर है। अभी हम लोग का एरिया में, बाहर का एरिया में हो सकता काम, हम लोग का एरिया में दोस्तों कोई काम दाम कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली है। दिन भर 200-300 काम हो गया, तो 200-300 तो भाई हाईवे में रहने से खर्चा है, बिजली बिल, रूम किराया, उधर उधर गाड़ी का पेट्रोल, बिल्कुल 300-350 का खर्चा होता है। चलेगा कभी खुशी कभी गम, वैसा ही चलेगा दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी हम लोग चार आदमी है, बैठ बैठे क्या करेंगे, मोबाइल चला रहे। तो दोस्तों कैसा भी जो नहीं है, एक आदमी दादा थोड़ा इंजन का वीडियो बनाओ, तो काम आएगा तब ना भाई, ना अच्छा गाड़ी वाला आएगा घूम के इंजन का वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं होना करना, जिस टाइम जैसा काम आएगा वैसा हम वीडियो बनाते, चाहे काम छोटा हो, मतलब दोस्तों चाहे प्रॉब्लम छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम छोटा हो रहा सब सेम ही होता है, वैसा कोई बात नहीं, चाहे वॉश का काम हो चाहे पंचर का काम, तो काम ही है दोस्त, हमको काम करना पड़ेगा और करेंगे भी, प्रॉब्लम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे काम आएगा थोड़ा टाइम मिलेगा हम वीडियो बनाते अपलोड करते हैं, काम आइए तो वीडियो कैसे बनेंगे, तब बोलते नहीं अभी काम कम है, ताकि मेरा जो व्यूअर है वो लोग नहीं बोल पाएगा है भाई वीडियो नहीं आता है, काम आइए नहीं कैसे वीडियो आएगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, कितनी कौन गाड़ी का पार्ट का कितना दाम, हर चीज़ हम बताए थे और कितना मेरा मुद्री क्या क्या हो सकता है, हर चीज़ बताते हैं, तो बिल्कुल काम ना बराबर है। तो अभी कैसा क्या करेंगे, जितना पार्सल का जितना काम था सब हम फुल करके रखते, अवेलेबल करते, मतलब कोई गाड़ी वाला वापस घूमने नहीं जा पाएगा, जैसे आ गया कोई काम से नहीं, यहाँ पे जाएंगे मिथुन भाई का गैरेज में तो मिल जाएगा, तो 90% हम कोशिश करेंगे पार्ट्स मिल जाएगा, जैसे काम रहते तो हम जाते किसान वाली पुण्य उधर से जो भी पार्ट्स कम है मेरा गैरेज में वो पार्ट्स हम ला के रखते दुकान में अवेलेबल, ताकि जैसे गाड़ी खुल जाए अभी पार्ट्स नहीं है, एक जैसा काम है कोई पार्ट्स लगे 10 मिनट का काम लग जाएगा 3-4 घंटा, वैसा काम नहीं है, तो मेरा भी टाइम लॉस है, जिनका बाइक है उनका भी टाइम लॉस है, वैसा हम काम नहीं करते, भला हम 10 रुपया चार्ज ज़्यादा लेते हैं मगर काम आपको मिल जाएगा और पार्ट भी मिलेगा ब्रांडेड, एकदम पक्का गारंटी। बहुत आदमी बोलते हैं दोस्तों पार्ट्स कैसे है, ओरिजिनल लगाने से तो MRP से ज़्यादा अभी लेता है चार्ज, जैसे MRP है 350 रुपया लेता है, 380 रुपया, 390, कभी कभी 400 हो जाता है, अगर 2 महीना का पुराना पार्ट्स हो जाए या 3 महीना का, कहीं पार्ट्स का दाम अपडेट होते रहता है, बिल्कुल काम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर देखा तो घुमा के आगे तरफ जो भी गाड़ी है रखा हुआ है वो सब कोई काम का नहीं है, बिल्कुल फाका है। तो दोस्तों यही मेरा अपडेट था, अभी काम बहुत ही डाउन हो चुका है, तो दोस्तों आप लोग का साथ बात करते तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरा चैनल नया आने वाला है गूगल बाबा नाम से, तो मेरा वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, 90% गारंटी अच्छा ही करेंगे, और उसमें हम वीडियो ऐसा डालेंगे जैसा आपका स्कूटी हो चाहे बाइक हो, कैसा चलाने से माइलेज सही मिलेगा, मेंटेनेंस खर्चा कम होगा, कैसे मेंटेनेंस करेगा वही चीज़ बताएंगे, कहीं पे अगर घूमने गए हम तो ब्लॉग टाइप का होगा, मतलब उस चैनल में हर एक वीडियो हर आदमी को काम आएगा, जैसा अभी ये चैनल है मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक से, मिथुन मंडल से नेम है इसका चैनल का मिथुन मंडल, तो मिथुन मंडल मोटरसाइकिल मैकेनिक से आ जाएगा एक चांस में, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें मैकेनिक का टेक्निकल वाला चीज़ डालते ज़्यादातर, और उसमें हर आदमी को काम आएगा, जिन्होंने स्कूटी चलाता है या बाइक चलाते हैं, कैसे भीड़ भट्टा में जाता हो, अरे भाई हम पहले ऐसा ही करते थे, हमेशा बाइक चलाते थे, भीड़ भट्टा ऐसा बात नहीं खाली चलाएंगे, कभी कभी गड्ढा में भी घुसा देते हैं स्पीड में, जैसे मेरे मन से गाड़ी ऐसे जाम होकर चक्का पीछे वाला पहिया जाम होता है सीधा घूम जाता है, अगर हैंडल आपका थोड़ा सा डायना मुड़ा हो रहेगा तो डायना तरफ घुसेगा गाड़ी, अगर बाया तरफ मुड़ा हो रहेगा तो बाया तरफ मुड़ेगा, कैसे चलने से ये मतलब 80% सक्सेस होगा, गड्ढा में नहीं गिरा वैसे हमको पूरा जान के रहे, और हम चलाते पहले बहुत रंग चलाते रफ चलाते गाड़ी, अभी नहीं चलाते,
ऐसा ऐसे चलाते हैं, वैसा बारे में बताएंगे। हर आदमी का वो वीडियो काम आएगा, उस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा। स्कूटी का माइलेज कैसे रहेगा या बाइक का माइलेज कैसे रहेगा, कैसे मेंटेनेंस खर्चा कम रहेगा, कैसे भीड़भट्टा में चलाना चाहिए, कैसे फ्री में चलाना चाहिए, किस समय में गियर चेंज करना, आपका क्लच प्लेट का लॉन्ग टर्म ज़्यादा होगा, मतलब जिस गाड़ी का क्लच प्लेट चलेगा 10,000 वो 20,000 चलने का कोशिश करने का दिमाग लगाएंगे। इंजन ऑयल 2,000 में खराब हो जाता है, इसे 3,000 कैसे चलाना पड़ेगा, वैसे हम हर चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों दिल से सभी को धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।